नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकार। तो हम लोकतंत्र के प्रकार का वर्णन करेंगे। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। आपके सिलेबस में दो टॉपिक हैं। तो मुख्यतः लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो जहाँ तक साधारणतः लोकतंत्र के जो दो प्रकार माने जाते हैं उसकी अगर हम विवेचना करें, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का बहुत ही विशुद्ध स्वरूप रहा है, जिसमें जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता। सरकार और जनता एक ही होती है। यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर निर्णय लेना हो तो सारी जनता एकत्र होगी और निश्चित करेगी कि उसे क्या करना है। स्पष्ट है, इस प्रणाली में जनता या निर्वाचक मंडल तथा व्यवस्थापिका में कोई पृथक्करण नहीं होता। अवसर उपस्थित होने पर सारी जनता व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है। यद्यपि यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है, तथापि यह स्वतः स्पष्ट है कि उन बड़े बड़े राज्यों में जहां नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यह केवल नीचे के स्तर पर अल्प तथा नियंत्रण योग्य जनसंख्या में ही क्रियान्वित किया जा सकता है। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों में ही प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। सारी जनसंख्या को शासन में प्रत्यक्ष रूप सम्बद्ध करने की 4 मुख्य विधियां हैं, जनमत संग्रह, आरंभक, प्रत्यावर्तन तथा लोक निर्णय। इन 4 विधियों से जनसंख्या को प्रत्यक्ष लोकतंत्र से सम्बद्ध किया जा सकता है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का सवाल है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का बड़ा ही आकर्षक स्वरूप है। यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। इसका कारण ये है कि इसके अंतर्गत जनता में निरंतर परामर्श किया जाता है। वास्तव में जनता स्वयं ही सभी प्रकार के निर्णय लेती है, किंतु उसके बावजूद अधिकांश आधुनिक राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व असंभव है। अतः आधुनिक राज्यों में किसी न किसी प्रकार प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है। सरकार के इस स्वरूप में मतदाता सरकार पर अपना नियंत्रण तो रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं। वे स्वयं निर्णय नहीं लेते और ना ही कानून बनाते हैं, या उनके प्रतिनिधि करते हैं। अतः प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेती है, जिनसे विधानमंडल गठित होता है। यह विधानमंडल जनता की ओर से कानून पारित करता है और शासन पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की इच्छा का निर्माण तथा अभिव्यक्तिकरण निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जीएस मिल ने, जो इस प्रकार की शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक था, प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है। यह एक ऐसा शासन है जिसमें सारी की सारी जनता या फिर उसका बहुसंख्यक भाग शासन सत्ता का प्रयोग समय समय पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा करता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके दो मुख्य प्रकार हैं। परीक्षा में ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। लोकतंत्र अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली है। इसकी सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का परिवेश ज़रूरी है। उचित परिवेश के अभाव में विकासशील देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना कठिन प्रतीत होता है। एक विचारक है, उनका नाम है कोरी तथा इब्राहिम। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 विधियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी है ये विधियाँ, आइए देखते हैं। कोरी और इब्राहिम ये कहते हैं कि सरकार व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन होगा, तभी लोकतंत्र लागू होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आपसी मतभेदों का निवारण वाद विवाद और विचार विमर्श पद्धति से होना चाहिए, तभी लोकतंत्र संभव हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मतभेदों का तथ्यों एवं तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुमत से निर्णय लेना चाहिए, तभी लोकतंत्र होगा। एक विचारक है पीटर मर्कल। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि रहन सहन का अपेक्षाकृत ऊंचा स्तर होना चाहिए, उपयुक्त मात्रा में सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए, स्वतंत्र व बहुल समाज होने चाहिए, आधुनिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये सब लोकतंत्र में होना चाहिए। मुख्य रूप से लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ दशाएँ हैं। वो कौन सी दशाएँ हैं उसे हम देखा जाए, तो वो दशाएँ इस प्रकार हैं।
लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, जनता का उच्च चरित्र होना चाहिए, जनता की जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा का ऊंचा स्तर हो, सहयोग की भावना हो, स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस हो, स्थानीय स्वशासन हो, सामाजिक और राजनीतिक समानता हो, प्रबुद्ध लोकमत हो और प्रभावशाली विरोधी दल हो। तो आइए इसमें से कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली बात है कि लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। आइवरो ब्राउन नामक विचारक ने कहा है कि लोकतांत्रिक धारणा पर अत्यधिक बल दिया है। वो कहते हैं कि लोगों में लोकतांत्रिक आस्था ही प्राप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। जनता का ऊंचा चरित्र हो, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जनता में सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी और सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होना चाहिए। लॉवेल के शब्दों में, लोकतंत्र यदि ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित को अपने सामने रखे, तो भविष्य के सुख को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय में उन्हीं कष्टों का सामना कर सके, दूरदर्शिता और धैर्य से काम कर सके, तो फिर भयंकर तूफान भी लोकतंत्र की जड़ों को नहीं उखाड़ेंगे। जहाँ तक जनता का ऊँचा चरित्र भी एक सफलता की शर्त है, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जनता में सच, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है लॉवेल। वो कहते हैं कि लोकतंत्र यदि ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर सारे राष्ट्र के हित को अपना सम्मुख रखें, तो भविष्य के सुख को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय में कष्टों का सामना कर सकें, जो दूरदर्शिता को धैर्य में काम कर सकें, तो फिर लोकतंत्र की जड़ को भयंकर तूफान भी नहीं हिला सकते हैं, ऐसा लॉवेल का कहना है। जहाँ तक जनता की जागरूकता का सवाल है, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता ज़रूरी है। लास्की कहते हैं कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। लास्की की यह कोटेशन, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है, अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। शिक्षा का ऊंचा स्तर हो, लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शिक्षित हों तथा शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो, या सही शिक्षा से ही लोग इस योग्य हो सकते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक से समझ सकें और उसके संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकें। वस्तुतः शिक्षा सफल राजनीतिक जीवन की कुंजी है। सहयोग और सहिष्णुता की भावना हो, लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग और सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार नहीं करेगा, दमन करेगा, तो शांति भंग होने का खतरा बना रहेगा। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों का भी कर्तव्य है कि बहुसंख्यक शासन का अवैधानिक तरीकों से विरोध न कर सके और सहयोग की भावना से काम कर सके। स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस होनी चाहिए। स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हों। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है और ही साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखने में भी सहायता देता है। इस प्रकार स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस के माध्यम से जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंध कायम किए जा सकते हैं। न्यायपालिका भी स्वतंत्र हो, स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु यह कार्य वह प्रभावशाली ढंग से तभी कर सकती है जब वह स्वतंत्र हो और कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करे। संपत्ति के वितरण में विषमता का लोप हो, लोकतंत्र तभी पनप सकता है जब देश में आर्थिक समानता की स्थापना हो। किसी ऐसे देश में जहाँ अधिकांश लोग निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हों और कुछ लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते हों, वहाँ लोकतंत्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। जब तक नागरिक जीविका उपार्जन के लिए साधन जुटाने के झंझट से मुक्त नहीं होंगे, स्वतंत्र लोकतंत्रीय संस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो सकती। विरोधी दल प्रभावशाली होना चाहिए। शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल के अभाव में लोकतंत्रात्मक सरकार निरंकुश और लापरवाह हो जाती है तथा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है। विरोधी दल आलोचना के द्वारा सरकार को सतर्क रखता है ताकि वह अपना कार्य ध्यानपूर्वक और बलिभांति कर सके। जे बंदोपाध्याय के अनुसार बंदी शिविर, सैनिक शासन, गुप्त पुलिस और सशस्त्र विद्रोह तानाशाही देशों के मुख्य लक्षण हैं। लोकतंत्र में संसदीय विरोधी दल इन लक्षणों की जगह एक विकल्प प्रस्तुत करता है। स्थानीय स्वशासन होना भी जरूरी है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना
लोकतंत्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। एक साधारण नागरिक राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा स्थानीय मामलों में रुचि रखता है। सामाजिक और राजनीतिक समानता होनी चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, छूत अछूत, धनी निर्धन में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। यदि समाज में एक तरफ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो और दूसरी तरफ शोषित, पीड़ित और पद्दलित वर्ग हो तो वहाँ लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, और हम ये कह सकते हैं मूल्यांकन के रूप में कि सामान्यतः लोकतंत्र के दो प्रकार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। आज जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सभी देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र प्रचलित है। फिर भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करने पर लोकतंत्र परिपक्व और सफल बन सकता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि अधिकांश देशों में लोकतंत्र के सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें मैंने आपको बताई वो नहीं रहती। फिर भी जनता को ये कोशिश करना चाहिए कि इसमें अधिक से अधिक, और शासन तंत्र को भी कोशिश करना चाहिए कि इसमें से अधिकांश शर्तें जो है मौजूद हो। ये स्थितियाँ मौजूद रहती हैं तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जब हम मिलेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं।